हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ टूटी फ्रूटी केक, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। केक के बैटर के लिए हम लेंगे सूजी और मैदा ले लेंगे 250 ग्राम और 2 अदद अंडे, 1 कप दूध और 1 कप ही हम चीनी ले लेंगे और टूटी फ्रूटी जेली। सबसे पहले हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे, फिर 1 कप शुगर, फिर इसमें हम 1 कप ही अपना मिल्क ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे 250 ग्राम और इसे मिक्स कर लेंगे। ये बाकी का मैदा, और ये 1 कप जो हमने घी लिया था वो ऐड कर देंगे आप, और इसे भी ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 अंडे भी हमने ऐड कर दिए इसमें और बॉल भी चेंज कर लिया, कॉज केक का बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक हो रहा था, इसलिए इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। देन अब इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे, 1 to 2 टेबल स्पून आप इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अपना ओवन भी ऑन कर लिया है, कॉज ये हीट करने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो इसे हम 5-10 मिनट पहले खोल देते हैं जब तक हम अपना केक का बैटर अपने पैन में डाल लेते हैं। यहाँ हम अपने केक के पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें बेकिंग पेपर बिछा देंगे इस तरीके से। इसमें मैंने अपनी टूटी फ्रूटी जेलीज भी ऐड कर ली हैं, इस तरीके से आप इसको ऊपर से ऐड कर सकते हैं। और अब ये रेडी हो गया है, अब हम इसको ओवन में रख देंगे जो हमने हीट के लिए पहले ही ऑन कर दिया था, और इसकी रॉड भी गर्म हो चुकी है, रेड हो रही है जो कि। तो टाइम जो है हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये टाइमर लगा दिया हमने और इसको डबल साइडेड हीट पे रख देंगे और इसका टेम्परेचर 250। हाँ, इसके 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल के चेक करेंगे टूथपिक की मदद से कि ये बेक हो चुका है या फिर नहीं। तो इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ टूथपिक में कुछ भी नहीं लगा, मतलब कि ये बेक हो चुका है। इसको हर साइड से चेक कर लें ताकि पता चल जाए कि ये पूरा बेक हो गया है या फिर नहीं। हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, 30 मिनट्स to 25 परफेक्ट है। अब हम इसको कट कर लेंगे, पहले इसका बेकिंग पेपर अच्छे तरीके से उतार लें, इस तरीके से हटाएँ कि ये ज़ाया ना हो। और माशाल्लाह से केक जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है,
तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। थैंक यू।